सिलेंडर निकाल देते। के गढ़नीवास क्षेत्र में मौजूद है जो कि मुकुमपुर में स्थित है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से मकान ढहा है। अभी बरसात का मौसम स्टार्ट ही होने वाला था और जिस तरह से मानसून भी अभी नहीं पहुंचा, फिर मानसून पहुंचा उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे मकान ढहा है। और ये घटना सुबह की बताई जा रही है, 10 बजे लगभग ये घटना बताई जा रही है। और जिस तरह से घर के अंदर जो पूरा परिवार था, 6-7 जनों का परिवार था, पूरा रह रहा था, अचानक से मकान ढहने की उन्हें आशंका सी महसूस हुई। और जिस तरह से उन्होंने देखा कि मकान थोड़ा सा ढहने हो रहा है, उसी तरह वो घर से बाहर निकले और इसकी पूरी जो कथा है, पूरी जो कहानी है, किस तरह से ये पूरा सीन क्रिएट हुआ और मकान ढहने का, उसको सीधे ही इनके जो आगे निवासी है जिनका मकान था, मालिक है, उनसे बात करते हैं। साहब आपका नाम? देवेंद्र सिंह जी, मुझे बताया किस तरह से ये पूरा माहौल आज देखने का, सूर्य ग्रहण भी है और प्रकार से पूरा मकान आपका ढहा है, किस तरह से? वो अंदर बैठे हुए टीवी देख रहे थे, जरा उन्होंने बोला भगवान, थोड़ा भगवान का नाम ले रहे, मैं भी ले रहा था, तब तक पीछे से आवाज़ आई थी गिरने की कच्ची थी, तो बाहर निकल के देखा, मैंने कहा क्या गिरा है, तो बाहर पीछे से पता नहीं लग पाया, लेकिन जब आगे देखा कि तीड़ आ रही थी, तब मैंने बच्चे को बाहर निकाला और धीरे धीरे। लेकिन क्या क्या पुलिस थी, कितना मंजिला था? एक मंजिल था, दो मंजिल था? दो मंजिल था। और जिस तरह से आपकी जमीन पीछे पूरे खेती बाड़ी वाला है, क्या पता कुछ लगा आपको पहले से या फिर कल से कुछ संभावना लग रही हो, आप एक अच्छा मकान रहा हो कुछ पहले से? ऐसे नहीं है, मैंने उसको नीचे से काफी दूर देखकर बनाया था, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं होता ऐसा कुछ हो सकता है। और कितने जान मान की हानि हुई आपको? बारों से एरिया क्या क्या सामान था, कुछ कुछ मेन सामान जो था आपको टूटा हो? सभी कुछ टूट चुका है, कुछ बचा नहीं है। आपकी और कितने परिवार में कितने सदस्य आपके लगभग? बच्चे हमारे दो माँ, दो किसी को कैजुअलिटी तो नहीं हुई है? नहीं। और यहाँ के जो विधायक है उमेश शर्मा, उनसे आपकी बातचीत हुई हो कुछ? अभी नहीं, अभी बातचीत नहीं है। तो स्थानीय जो पार्षद है वहाँ मौके पर पहुँचे? पार्षद पार्षद जी रवि है आगे स्थानीय। हाँ, अभी पार्षद जी नहीं आया। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है और प्री मानसून आ चुका है, मानसून आने की स्थिति में है, 23-24 तक मानसून यहाँ पहुँच जाएगा, पूरे उत्तराखंड में पहुँच जाएगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से कैजुअलिटी हुई है, पूरा मकान ढह चुका है, आपको वीडियो में भी दिखाएंगे किस तरह पूरा एक मकान को ढहने में पूरा 14 मिनट बता रहे हैं, जिस तरह मालिक बता रहे हैं कि जो 14 मिनट इनको पूरा अंतराल मिला है जिस तरह निकल सके बाहर से। और मौजूदा स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मरम्मत चल रही है, जो भी मलवा है उसे हटाया जा रहा है, जो भी क्योंकि बेशकीमती सामानों से निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं कोई कैजुअलिटी अभी नहीं हुई है। पूरा विजुअल आप देखते हैं, पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरह से पूरा मकान ढहा है, पूरी एक लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे इस वीडियो के तौर पर किस तरह से मकान ढहा, किस तरह से परिवार ने पूरे अपने परिवार को 6 जनों को बचाया, जिनमें की माता पिता थे, 2 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ इसमें अपने रह रहे थे स्थानीय रूप से। और आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। आप देख रहे हैं जो बेस कीमती सामान होता है हर परिवार की पारंपरिक जीवन को चलाने के लिए, आप देख किस तरह से मलबे के दबने के बाद आप देखते हैं उनका फ्रिज और पूरे हालात देख सकते हैं, आपको हालात बयां कर रहे हैं किस तरह से ये एक प्रकार से आपदा सी आई है और पूरा तहस नहस कर दिया, जिसमें की भी जान मान की कोई हानि नहीं हुई। आप पूरा देख सकते हैं किस तरह से फ्रिज के बाद जो उनके बेड होते हैं, सोफे होते हैं और पूरी खिड़कियों को देख सकते हैं, आप चटनी देख सकते हैं जिस तरह से पूरी टूट चुकी है, सब कुछ टूट तहस नहस हो चुका है। आप पूरे वीडियो में देख सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं, ये विजुअल आपको कुछ बयां कर रहे हैं किस तरह से आपदा आई होगी, किस तरह से ये मंजर रहा होगा 9:30 बजे का, किस तरह से भयभीत होकर अपने घर से बाहर निकले होंगे अपनी जान को बचाने के लिए। आप देख सकते हैं पूरा विजुअल देखेंगे, आप पूरी वीडियो देखेंगे, आपको यही सब तस्वीरें आपको बयां करेंगे किस तरह से ये मंजर रहा होगा। आप देख सकते हैं अलमारी की हालत देख सकते हैं, हर जगह डेंट पेंट पड़े हैं और मलबे से निकाली गई है और कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, में खड़े हैं जहाँ से इसका फ्रंट का गेट है और जहाँ से अंदर आने की पूरी एंट्रेंस गेट था। आपको दिखा दे किस तरह से इनकी जो 2 मंजिला छत थी कैसे ढही, आपको पूरा विजुअल दिखाते हैं ऊपर से किस तरह से मकान ढहा है। आप देख सकते हैं कैमरे में बिल्कुल आप पूरा 2 मंजिल मकान था, जो कि बहुत ही
सही ढंग से इनका बनाया हुआ था बिल्कुल एक जमीन के पीछे, और अचानक से सुबह करीब 9:30 बजे करीब अचानक से ढह गया। तो सीधे इनके घर में जो और परिवार के सदस्य उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? ज्योति। ज्योति मैम कुछ बताएं कैसे कैसा पूरा ये जो एक प्रकार से आपदा आई है, एक प्रकार से आपदा ही बोल सकते हैं, जिस तरह से अचानक से आपका मकान ढह गया, कितने बजे की घटना थी और कैसे आपने अपने आप को बचाया इससे? 10 बजे की घटना थी, तो हमने सोच के अपना काम धंधा मिटा के जैसे नाश्ता वगैरह पे बैठे थे क्योंकि ग्रहण आने लगने वाला है। इसी सूर्य ग्रहण भी आज था वैसे। सूर्य ग्रहण की वजह से आज जल्दी जल्दी सारा काम निपटा है कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है कि काम निपटा देते हैं। और जैसे हमने सारा काम धंधा निपटाया ठीक सूर्य ग्रहण के ही टाइम, जस्ट उसी टाइम ही अचानक मकान का मैंने आवाज़ आई बहुत तेज़ों से, और आवाज़ जैसे आई और हमने सोचा कि कहीं पड़ोस में कुछ टूट गया या गया, उसी टाइम थोड़ा बाहर निकल के देखा कि घर के आगे बहुत बड़ा दरार सी आ गई थी। जब दरार आई तो फिर हम सारे घर से बाहर निकल गए और मौका ही नहीं मिला हमें कोई सामान। कितना मिनट लगा आपको पूरा बाहर निकलने में, कितना मौका दिया इस आपदा ने बिल्कुल आपको बचने के लिए? मुश्किल से 10-20 मिनट के अंदर अंदर हम मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया। 20 मिनट आपने अपनी जान को बचाया, तो कीमती सामान आपका कुछ जैसे गहरे गिने सब दब गए। आप देख सकते हैं पूरा विजुअल देखते हैं किस तरह से पत्थरों के नीचे सब कुछ ढह गया है पूरा। तो आप स्थानीय विधायक से क्या अपील चाहती हैं, कुछ क्या चाहती हैं, जिस तरह से लॉकडाउन भी चल रहा है, स्थिति थोड़ी खराब है, हम चाहते हैं कि जितना भी हमें थोड़ा मदद मिले कि हम अपना ढांचा अपना सर छुपाने के लिए कुछ बना लें, उतना हमें मदद गुजर कर सकते हैं कि जैसे हमें कुछ मदद मिल जाए तो हम खड़े अपने मकान में जा सकें। बस यही गुजारिश है। स्थानीय विधायक से साफ तौर पर परिवार वालों की यही गुजारिश है कि एक प्रकार से उन्हें रहने के लिए ऐसे घर मिल जाए और घर उनका ढांचा स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, जिससे कि वो बरसात का मौसम भी स्टार्ट होने वाला है, जिससे कि वो अपने एक स्थान पर रह सके, अपने जीविका चला सके। तो साफ तौर पर यही कहना है पूरे परिवार वालों का। आप देख सकते हैं पूरा व्यू देख सकते हैं किस प्रकार से ये आपदा ही समझिए, एक प्रकार से आपदा ही है अचानक से, जिसमें कि कोई भी हानि नहीं हुई। शुक्र ये रहा कि हानि नहीं हुई और अचानक से मौका मिल गया बिल्कुल बाहर निकलने का। आप देख सकते हैं मेरा कैमरा मैन दीपक उनियाल के साथ पारस रावत, हिंद संवाद।